Hey guys, welcome to my YouTube channel. मैं सी ए शम्मी सलूजा. देखिए आज ये वीडियो स्पेशली मैं उन वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ जो अपनी जॉब में हैं, जो अपनी जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, या कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज को करने की सोच रहे हैं और उनके मन में एक क्वेश्चन है कि सर हमें यूएस सीपीए करना चाहिए, यूएस सीएमए करना चाहिए, आईएफआरएस करना चाहिए, एसीसीए करना चाहिए, विच कोर्स इज बेटर फॉर अस. सो देखिए एक वीडियो में विदाउट आपको पर्सनल आपके इंटरेस्ट को जाने बगैर इस बात को सजेस्ट करना कि आपके लिए क्या कोर्स बेटर होगा, ये कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो गाइस इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर काउंसलिंग सेशन के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम पहले क्या करते हैं कि हर जिसे अगर आपको कोई भी कोर्स में डाउट है कि सर मुझे एफआरएम करना चाहिए, सीएफए करना चाहिए, यूएस सीपीए करना चाहिए या यूएस सीएमए करना चाहिए और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि विच कोर्स इज बेटर फॉर मी, सो गाइस सबसे पहले तो आप नीचे लिखे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए. मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करूंगा और आपकी मतलब स्किल को असेस करके, देखिए कई बार तो हम स्टूडेंट की स्किल का असेस करते हैं, आपके बेसिक फंडामेंटल्स को देखते हैं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं. जैसे कई बच्चे अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्सेंचर में हैं, जेनपैक्ट में हैं, बिग फोर में भी काम कर रहे हैं कई ऐसे स्टूडेंट और जो सिंपली बीकॉम स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए क्या बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है. क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई कोर्स को ज्वाइन कर लिया और मिड ऑफ द कोर्स अगर आपको लगा कि यार मुझसे नहीं होगा, फिर सोचिए आप बीच में एडमिशन ले चुके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को फीस दे चुके हैं और मिड ऑफ द कोर्स अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, सो देखिए कहीं ना कहीं फिर आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक होता है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ्स या जो अभी स्टूडेंट भी हैं. सो देखिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपके उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ. सो सबसे पहले आपको मैं अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहा हूँ. अगर आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं, आपकी एज देखिए मेरे को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 30 के ऊपर, 30 टू 40 के बीच में है और जो बिलो 30, उन दोनों के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट से जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है और जिनको कि 5 टू 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और वो सिंपल बीकॉम स्टूडेंट है. अब उनका क्वेश्चन होता है कि सर हम ऐसा कोर्स क्या करें जिससे हमारे करियर में प्रोग्रेशन आ जाए, हमें जॉब में प्रमोशन मिल सके और एक करियर बेटर वे में शेप ले सके. तो देखिए अगर आप सिंपल बीकॉम हैं और आप स्टडी कितनी करना चाहते हैं, इन सारी बातों को मैं बताता हूं. तो सबसे पहले आपके सामने मैं दो कोर्सेज के नाम ले रहा हूं. नंबर वन में नाम ले रहा हूं यूएससीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सेकंड कोर्स है डिप्लोमा इन आईएफआरएस. देखिए डिप्लोमा इन आईएफआरएस एसीसीए के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यूएससीएमए जो है वो आईएमए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. अब आपके लिए कौन सा बेटर है, तो देखिए अगर आप 30 ईयर के आसपास हैं, आप चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट लेवल पर पार्टिसिपेट करें, आप चाहते हैं कि आपको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, आप चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले जॉब में और आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो, मतलब आप जैसे चाहते हैं कि प्लानिंग एंड बजटिंग में भी आप काम कर सकें, आप चाहते हैं इंटरनल कंट्रोल में भी आप काम कर सकें, तो वेरियस वेंचर में अगर आप इंटर करना चाहते हैं गाइस, तो नंबर वन चीज़ होगी आपके लिए यूएससीएमए. यूएससीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोफेशन, केवल गाइस इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसको कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए विद इन वन ईयर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. तो 6 to 8 months का ये प्रोफेशन होगा जो कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं. और अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो देखिए आईएमए की वेबसाइट पर आप जाके देखिए, अभी तो 40% का डिस्काउंट चल रहा है. तो यूएससीएमए प्रोफेशन में आपको जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो 130,000 से लेके 150,000 के बीच में आएगा, डिपेंड्स ऑन दी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर रहे हैं, फीस वगैरह, क्योंकि उसमें स्टडी मटेरियल भी होता है, कोचिंग की ट्रेनिंग भी होती है. तो मेरा मानना है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 30 से 40 की आपकी एज हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आप केवल एक अकाउंट डोमेन तक सीमित ना रह जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग तक सीमित ना हो जाए, तो आपको यूएससीए में करना चाहिए. प्लानिंग एंड बजटिंग में आपका करियर बन सकता है, इंटरनल कंट्रोल के कंप्लाइंसेस में आपका करियर बन सकता है, उसके बाद आप कॉरपोरेट फाइनेंस में जा सकते हैं, उसके बाद आप कॉस्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, कंसल्टेंट फॉर्म में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो ऐसे बहुत सारे वेरियस वेंचर्स में आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर यूएससीएमए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मैं केवल अकाउंट डोमेन में ही फोकस करना चाहता हूं,
तो सबसे बढ़िया एडवांटेज आपके लिए फिर होगा डिप्लोमा इन IFRS, केवल एक सब्जेक्ट। लेकिन देखिए डिप्लोमा इन IFRS का थोड़ा सा इशू है कि आपका फिर जो कॉम्पिटिशन है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो जाता है। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो प्रोफाइल है वो डिप्लोमा इन IFRS वालों के लिए भी वही प्रोफाइल, पर CA के पास नॉलेज ज़्यादा होता है। तो डिप्लोमा इन IFRS करने से बेनिफिट है गाइस, नो डाउट, बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत बढ़िया एक पेपर होता है ACCA के द्वारा, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। लेकिन आपका जो एरिया वर्क होगा वो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एरिया में होगा। आप इंटरनल ऑडिट को असेस कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, आप अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं, क्योंकि IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही आज की डेट में अकाउंटिंग हो रही है। सो अगर आप अपना डोमेन केवल एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक सीमित रखना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा इन IFRS करना चाहिए, अगर आपकी एज 30-40 है। दूसरी बात, अब अगर आपकी एज बिलो 30 है, आप 25 टू मतलब कॉलेज आपका हो चुका है, 2-1 साल का आपको एक्सपीरियंस है, सो मेरा मानना है कि USCA में यहाँ पे भी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपको आने वाले समय में एक्सपीरियंस मिलेगा, और USCA में बनने के बाद जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे उससे कहीं ना कहीं कॉरपोरेट लीडर की पोजिशन पर आप आ जाएंगे, किसी कंपनी के CEO, किसी कंपनी के CFO, बड़ी पोजिशन को आप आने वाले समय में विद द एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपकी एज 30 की कम है तो आपको IFRS की जगह USCA में ही करना चाहिए, फिर आपके लिए IFRS नहीं है। लेकिन अगर 30 के ऊपर है तो USCA में और IFRS आपका बेटर है। और अगर आप BCom प्लस MCom है और आपकी एज 25 से 30 की है तो गाइस आपके लिए USCPA इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि USCPA आपको केवल चार सब्जेक्ट हैं और आपके लिए वेरियस वेंचर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे आप ऑडिटिंग में काम कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर आप बन सकते हैं, US टैक्सेशन में आप काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आप काम कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट में आपकी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपकी प्रोफाइल हो सकती है। तो अगर आप एक BCom प्लस MCom स्टूडेंट हैं तो मैं आपको लिटरली सजेस्ट करूंगा कि आप USCPA करिए। अब ACCA किन बच्चों को करना चाहिए, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं कि देखिए अगर आप एक 11th क्लास से 12th पास आउट हैं और आपकी एज अभी मान के चलिए 20 से 22 के बीच में है, सो ACCA बेटर ऑप्शन, क्योंकि 3-4 साल आपको लगेंगे और आप 3-3.5 साल में एक अच्छे प्रोफेशनल क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एज 30 हो चुकी है, 25 के ऊपर हो चुके हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ACCA, देखिए नो डाउट ACCA प्रोफेशन बहुत अच्छा, लेकिन आपको 4 साल लगेंगे, 3.5-4 साल। क्या 3.5-4 साल देने को आप रेडी हैं? अगर 3.5-4 साल आप 3.5 महीने, देखिए आप जरूरी नहीं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, आप कई स्टूडेंट कई हो सकते हैं बोले सर ये तो 3 साल में हो जाता, नहीं 3 साल में तो तब होगा ना जब सारे पेपर को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले, और ऐसा तो नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कहीं एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो 3.5-4 साल आपको क्या है, मेरा मानना है लग जाएंगे। तो क्या आप इतना टाइम वेट कर सकते हैं, ये भी ACCA में आपका एक्सपेंडिचर भी 3.5-4 लाख के आसपास आएगा, क्या इतना एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते, हम आपसे कहते हैं कि आप अपना एक सेशन हमारे साथ बुक कीजिए, हमारी टीम आपके साथ में काउंसलिंग करेगी, मैं आपसे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करूंगा, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करूंगा, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इन सारी बातों को एनालाइज करने के बाद हम आपको क्या करते हैं, कई बार एक बेटर करियर चॉइस भी क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। और एक और बात, हम इस बात को अश्योर भी करेंगे, नॉट ओनली सजेशन, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को चूज करते सो हमने अगर आपको जो कोर्स सजेस्ट किया है, मार्क माय वर्ड, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, अगर हमने आपको कोई कोर्स सजेस्ट किया और आपने हमारी बात पे ट्रस्ट करके हमारे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हो, तो हम इस बात को अश्योर करते हैं कि आपका वो डेजिग्नेशन हम आपको अचीव भी करा के रहेंगे, चाहे फिर ACCA हो, USCA में हो, डिप्लोमा इन IFRS हो या USCPA हो, हमने अगर आपको कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि वी विल एनालाइज योर स्किल, इसीलिए हम कुछ फंडामेंटल सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं जिससे बच्चों के पूरे फंडामेंटल्स को क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। So, आपको एनालिसिस करना होगा कि आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, इंडिया में काम करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, तो सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ही हम आपको क्या करते हैं, करियर काउंसलिंग में सजेस्ट करते हैं। तो हम एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, मैं आपको गाइस ये 100% कमिटमेंट दे रहा हूं कि अगर हमने आपको एनालिसिस करके आपको कोई कोर्स सजेस्ट किया, तो कोर्स सजेस्ट करने के बाद हम इस बात को अश्योर करेंगे कि आप उस सिलेबस को पास भी करें और आपका प्लेसमेंट भी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ही आपको करा के दिया जाएगा। हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं खोलें, लेकिन आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपका प्लेसमेंट कराएं। सो हमारे जो है कॉर्पोरेट टाइप्स हैं एज वेल एज कंसल्टेंट फॉर्म्स, हम बहुत सारी कंसल्टेंट फॉर्म्स को रिज्यूम फॉरवर्ड करते हैं जिनको इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब उन कंसल्टेंट फॉर्म्स को हम हमारे स्टूडेंट के रिज्यूमे को फॉरवर्ड करते हैं और फिर उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम उनके क्या कराते हैं, प्लेसमेंट कराते हैं। तो हमारा काम प्लेसमेंट एजेंसी को ओपन चलाना नहीं है, वी आर द इंस्टीट्यूट और हम केवल हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को हेल्प करते हैं टू गेट देयर जॉब्स। सो अगर आप एक अच्छे प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहना चाहते हैं और आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा, सो नीचे लिखे नंबर पर आप हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम आपके अंदर वो स्किल इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, वो स्किल बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार आपके स्किल बढ़ गए और गाइस वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास टाइम की कमी है उनके साथ मेरा पर्सनल अटेंशन रहेगा, इस बात का भी आपको कमिटमेंट। और आपका USCPA हो, USCMA हो, या डिप्लोमा इन IFRS हो, या सीमा हो, जो भी प्रोफेशन हम अपने इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हैं उसको पास करने में हमारी 100% हेल्प आपको रहेगी। आपको मैं CA शम्मी सलूजा का ये कमिटमेंट है, आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, मेरी बताए हुए प्रोसेस पर चलेंगे, आपका USCPA हो, USCMA हो, या डिप्लोमा इन IFRS, वो 100% पास होंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है टिल यू पास। एक बार आपने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, इस बात को मैं अश्योर करूंगा कि आप अपना डेजिग्नेशन कंप्लीट करके ही हमारे इंस्टीट्यूट से जाएं। आप अगर हमारे साथ एंड तक टिके रहे, आपने अगर अपनी जिंदगी के 1 या 1.5 साल हमें दे दिया, आप AKPI इस इंस्टीट्यूट को जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमने आपकी जिंदगी चेंज करने में हेल्प की है। बिकॉज मैं भी किसी टाइम में एक वॉकिंग प्रोफेशनल था और मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स पूरी जॉब को कंटिन्यू करते हुए किया है। सो मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट की बताई प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आपका प्रोफेशनल डिजिग्नेशन अचीव हुए बिना AKPI आपको इंस्टीट्यूट से जाने नहीं देगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। फील कंफर्टेबल, देन जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच।